नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सेमरिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने ग्राम केमार, जयरुका, मनटोलवा, जुड़वनिया, हरिजन बस्ती, पटेल बस्ती, कुल्लू बेहरा, कचूर, अतरौली, सुमेदा, सकरवट में जनसंपर्क करते हुए अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच गए और क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश को देश का बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को आज देश का विकसित राज्य बना दिया है। हमारी पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि सेमरिया की जनता जनार्दन विकास को मानती है और विकास कार्यों के आधार पर ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देगी। केपी त्रिपाठी ने अपनी सभाओं में सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में 1600 करोड़ रुपए से भी अधिक के हुए विकास कार्यों को भी स्थानीय जनता के बीच साझा किया। केपी त्रिपाठी ने कहा कि आपका एक एक वोट सेमरिया और मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, इसलिए आप सभी सेमरिया और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो विकास कार्यों के साथ ही साथ गरीब कल्याण को प्राथमिकता में रखते हुए भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में योगदान दे। केपी त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत छिजवार में जनसंपर्क के दौरान भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित हुए माया प्रकाश तिवारी, मनकुशल विश्वकर्मा, अरुण सिंह, रामप्रसाद रजक, दिनेश गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, दिनेश सोंधिया, शशि कुमार गौतम, राकेश गुप्ता, ध्रुपद आदिवासी, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, रमेश रावत, पिंटू रावत, राजेश गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, लवकुश प्रसाद मिश्रा, अजय पांडे, वीरेंद्र दुबे, शिव कुमार साकेत, भगवान दीन साकेत, मनीष चंद्र तिवारी, वी के साकेत, धीरेन्द्र साकेत, सूर्यभान आदिवासी, गुरु प्रसाद गुप्ता, अनिल साकेत, राम कुमार गुप्ता, जयकरण गुप्ता, मीरू सिंह रावत, रामावतार गुप्ता, उमेश गुप्ता, रामलला विश्वकर्मा सहित कई अन्य लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। द खबरदार न्यूज से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।